मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार शाम भिलाई पहुंचे। इस दौरान सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बार बार छत्तीसगढ़ आने पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये लोग रात में आते हैं और डंडा चलाकर चले जाते हैं। उन्होंने भाजपा पर एक आदिवासी नेता का अपमान करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि ननकी राम कंवर को भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यालय में घुसने नहीं दिया, उन्हें वहां से भगा दिया गया। ये एक आदिवासी का अपमान है। मुख्यमंत्री ने राज्य में नक्सल समस्या खत्म होने का दावा करते हुए कहा कि अब नक्सली पीछे हट चुके हैं। पहले लोग जगदलपुर तक नहीं जा सकते थे, पर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी जा पा रहे हैं। गृहमंत्री खुद कोंटा जिले के नक्सली क्षेत्र में गए, वहां वर्षों से बंद स्कूलों को शुरू करने का काम किया है। समारोह में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक देवेंद्र यादव, अरुण वोरा, भिलाई महापौर नीरज पाल, महापौर रिसाली शशि सिन्हा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर एन वर्मा और पूर्व महापौर भिलाई नीता लोधी भी मौजूद रही। बाबा साहब के बयान तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि बार बार जरूर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। जो रात को आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं, और कल हमने देखा कि ननकी राम कंवर जी को वापस भेज दिया गया। एक आदिवासी नेता जिसको पार्टी कार्यालय में भी घुसने नहीं दिया गया, ये तो आदिवासी का अपमान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।